मैं लखनऊ नवाबों के शहर में हूँ, जो इतना खूबसूरत है जिसे देखने आप ज़रूर आइएगा। अगर आप नहीं आए हैं या आ चुके हैं तो दो चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहली तो ये छोटी सी बच्ची है, जिससे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये भीख क्यों मांग रही है। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना बेटा, आप पढ़ाई करते हो, भीख क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? आपसे कोई बोलता है भीख मांगने के लिए? नहीं। क्यों भीख मांगते हो? घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? घर पे हैं। तो आपसे भीख मंगवाते हैं? तो आपके मम्मी पापा को पता है कि आप भीख मांगती हो? पता है? तो मना नहीं करते आपको कि भीख मांगना गलत बात है? आपको पढ़ना चाहिए ना, आप छोटी से आप पढ़ोगी, पढ़ाई करोगी तो शायद आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगी पढ़ लिख के। किधर है मम्मी पापा? घर पे ही हैं। तो वो कुछ काम नहीं करते हैं? करते हैं। तो फिर? हराहा चलाते हैं, भैंसी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? भैंसी। भैंसियाँ चलाते। तो फिर आप क्यों भीख मांग रही हो? आप बताओ, हम आपकी मदद करेंगे, कुछ मदद कर सकते हैं। तो बस ये बताओ, भीख क्यों मांगते हो? आप तो छोटे हो, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे बोलो, भीख क्यों मांगती हो? हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप भीख क्यों मांग रहे हो? मम्मी पापा खाना नहीं देते हैं? देते। तो फिर क्यों आते हो? नहीं मांगो बच्चा, आप घर जाओ, अपने घर पे पढ़ाई करो। मम्मी पापा का काम है कि आपको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा खाना खिलाएं। भीख मांगना अच्छा नहीं है। पढ़ोगी लिखोगी तो तुम अच्छी नौकरी कर पाओगी और साथ में अच्छे पैसे भी कमा पाओगे। वहाँ देखो, कैमरे में देखो, अब मांगोगी भीख? प्रॉमिस? नहीं। चलो, मैं तुम्हें चाट खिलाऊंगी इस बात पर तुम्हें भीख नहीं मांगनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भीख आपको देना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए कि हम जब भीख देते हैं तो बच्चों को मजबूर भी किया जाता है कि वो भीख मांगे, उनके साथ अत्याचार होता है। हमको लगता है वो मासूम है, गरीब है, इसलिए हम उन्हें पैसे दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों पे दबाव पड़ता ही है। सोचिएगा ज़रूर और ध्यान रखिए, भिखारियों को जन्म उनके माता पिता के साथ साथ हम भी दे रहे हैं भीख देकर।